नमस्कार, मैं सुधीर सिंह डोगरा, आईजीपी रिटायर्ड सीआरपीएफ, वाइस प्रेसिडेंट मोदी आर्मी जेएंडके। मैं इस विषय पर, जो पालगढ़ में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, इसकी हम कड़े दिल से, हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कड़े कड़े शब्दों से हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनसे ये आग्रह करते हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसके तह तक जाएं और जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, दे बी ब्रॉट अंडर दी रूल ऑफ लॉ, सो दैट ये जो ऐसे वाक्या हैं दोबारा ना हों। पहली चीज, जो वहाँ पुलिस स्टेशन है या वो जो चौकी है, वहाँ कम से कम, जैसे कि हमने वीडियो में देखा और टीवी में देखा, वहाँ कम से कम 10-12 आदमी मौजूद थे जो कि विथ आर्म्स थे। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि 12 आदमी एक पुलिस चौकी में रह के 3 आदमियों की क्या सुरक्षा नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए, ये एक शकिया सवाल है। सेकंड, जो उनके साथ 2 फॉरेस्ट गार्ड आर्म्ड गार्ड्स गए थे, क्या उनका क्या एक्शन था? ये लगता है कि ये कोई एक बहुत बड़ी प्लान्ड मर्डर था, जिन्होंने फॉरेस्ट गार्ड ने उनको लाके हैंड ओवर किया टू द पुलिस स्टेशन, एंड पुलिस इन टर्न हैंडेड द विक्टिम्स ओवर टू द मर्डरर्स। तो हम ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में, उनसे हम ये गुजारिश करते हैं और हम कहते हैं कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक लेट द ट्रूथ बी नोन टू द पब्लिक। एट दिस मोमेंट हम बाला साहब ठाकरे की याद आती है, हैड ही बीन देयर दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव अरिजन एट ऑल। वंस अगेन हम पुलिस कमिश्नर से भी ये गुजारिश करते हैं और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट एरिया एंड द पॉलिटिशियंस ऑफ दैट एरिया, दैट दिस पुअर हैपलेस 70 साल के बुजुर्ग जो हैं, आप उनको, यू डू मॉब लिंचिंग, इट इज़ समथिंग इनह्यूमेन। वेदर इट वॉज अखलाक हु वॉज लिंच्ड और वेदर इट इज दिस पुअर साधुज, सच थिंग्स आर इनटॉलरेबल। एंड इसकी हम कड़े शब्दों से मजम्मत करते हैं और हम ये भी आगाह करते हैं, जो प्रेजेंट सरकार है, इफ दे डोंट डू इट, द रेपरकशंस दे आर गोइंग टू फेस इट। पब्लिक इज सीइंग, अवाम जो है पढ़ी लिखी है, आज वो अवाम नहीं है जैसे कि ये सोचते थे। हम वंस अगेन हम सरकार से दोबारा फिर ये गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ जो ट्रूथ है, लेट द पब्लिक नो व्हाट द ट्रूथ इज, और जो कल्प्रेट्स हैं, दे शुड बी ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ लॉ इमीजिएटली। थैंक यू, जय हिंद।